अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, मैंने सोचा बकरीद आ रही है तो कोई एक ऐसी चटनी शेयर करूं जो कि खाना खाने के साथ हाजमे का भी काम करे और गर्मी का भी तोड़ो, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। तो इसके लिए मैं जो चटनी बना रही हूँ, आप इसी तरह सेम चटनी बना के देखें, यकीन करें आप कहेंगे कि कोई चीज़ तैयार हुई है सबसे। और इसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे घर में एवरी टाइम ना अवेल होते हैं। मिर्चें, टमाटर, पुदीना, धनिया, लहसुन और एक जाएगा तड़का है, वो मैं आपको ऐड में बताती हूँ। सबसे पहले ये मैंने अच्छे से वॉश करके ना मैंने इसको रखा हुआ है, ठीक है। जितना धनिया लेना है उतना ही हमने पुदीना लेना है, ठीक है। ये हमने पुदीना और धनिया ले लिया। अब मैं इसको काट लेती हूँ। ये मैं इसके ऊपर से ये उतार देती हूँ और इसको बस मैंने मोटा मोटा ना काट लेना है। ये हो गया। और इसी तरह मैंने पुदीने का भी, ये बिल्कुल नरम से इसके डंडल है, बस मैंने इसको इस तरह ही काट, ये हो गया। इसमें एक पोथी जाएगी लहसुन की, ये देखें, ये इसमें मिर्च जो है ना हसबे ज़रूरत है, ये इतनी तेज़ नहीं थी इसलिए मैं इतनी डाल रही हूँ। ये 15 पीस हैं, ये देखें साइज़ भी छोटा है इसलिए कम भी कर सकते हैं। और ये इतने में ये जाएंगे टमाटर 2, ये मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं, ये देखें ऐसे। मेरे हाथ ये जी इस तरह ये हो गया। और बस अब हमने इसको कर लेना है ग्राइंड। ये मसाला इसमें डाल रही हूँ ताकि इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लें। ये देखें ये ग्राइंड हो गई है और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, टमाटर के अपने पानी में ही ये सब कुछ रेडी हो गया, ठीक है। बस इसको ये होता है, ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि इसको हिलाना होता है थोड़ा बार बार। चलें जी, अब मैं इसको इसमें आधा चम्मच से हिला लेते हैं। अब ये बारी आ गई तड़के की। ये तड़का हम लगा रहे हैं जीरे का। ये देखें, बस इसकी चटकने की आवाज आएगी तो फिर हमने इसको अच्छी सी खुशबू आएगी और इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे चटनी के ऊपर। ये मैंने इसमें बटर लिया है, ये इसलिए इसके ऊपर झाग आ रही है। ये मैंने बटर का तड़का लगा रही हूँ। आप ऑलिव ऑयल का भी लगा सकते हैं और सरसों के तेल का भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सरसों का अवेल नहीं था। ये दोनों ऑप्शन A1 है। ये देखें, अब ये चटक गया ज़ीरा और बस अब मैं इसको तड़का लगाने लगी। क्या बात है जी, ये देखें और यकीन करें आप खा के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार चटनी बननी है और इतनी खुशदायका चटनी है कि बस आपने जब खाना है तो आपने दुआएं देनी है मुझे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे घर में जब ये बनती है, बल्कि जब बनती है फरमाइश पे बनती है और मिनटों में चट हो जाती है। और अगर आप इसके साथ पराठा या तिलों वाला नान या रोगनी नान जिसे कहते हैं, वो वाला अगर आप इसके साथ खाते हैं तो उस दिन तो आपकी ना मौजें हो जानी है।
और सबसे प्यारी बात यह है कि इतने कम टाइम में इतनी खुशजायका और अफादियत से भरपूर चटनी जो है ना वो हमारी रेडी हो जाती है। बस ये तड़के वाली जो चटनी है ना, आपने जब एक दफ़ा ट्राई कर लेनी है ना, तो आपने बार बार बनाने पे खुद ही मजबूर हो जाना, ये इतनी खुशजायका है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब चाहूंगी इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।